सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा, मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के साथ ही रेलवे ओवरब्रिज का भी किया शिलान्यास। 2022-23 के इसी सत्र में मेडिकल में प्रवेश का दिया आश्वासन। उन्होंने कहा, अब योजनाओं का सीधे लाभ गरीब लाभार्थियों तक पहुंचता है, बंदरबांट अब नहीं होती। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए सतर्कता का दिया सुझाव। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह तथा समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने ली एमएलसी की शपथ, साथ ही संजय निषाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह, राम गोपाल और गोपाल अंजान ने भी ली एमएलसी पद की शपथ। बरेली के रेलवे जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 बना अखाड़ा। टिकट चेकिंग स्टाफ और सिपाही के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जमकर हुई आताबाई। टिकट चेकिंग स्टाफ और सिपाही के बीच हुई मारपीट। प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष शोभनाथ मिश्र के हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। 2 दोषियों को फांसी की सजा, 5 दोषियों को आजीवन कारावास। कोर्ट ने आरोपियों पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया। 8 महीने से मानदेय न मिलने से नाराज रसोईया संघ की महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। रसोईया संघ की जिलाध्यक्ष रेणु शर्मा का कहना है कि पिछले 8 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है, ऐसे में दिवाली कैसे मनाएं? रसोईया संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर धरना देने का निर्णय लिया। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील बनाने का 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय 1500 रुपए महीना मिलता है, जो 8 महीने से नहीं मिला है। फेसबुक फ्रेंड के चक्कर में युवती की गई जान। फेसबुक फ्रेंड से छत्तीसगढ़ मिलने पहुंची युवती की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत। युवती की मौत का कारण पता नहीं चला। पुलिस सूचना के बाद लाश लेकर आए परिजन। सहारनपुर के नागल की निवासी थी युवती। अशोक वाटिका की शिलाएं रामलला को हुई समर्पित। श्रीलंका सरकार के 2 मंत्री, राजदूत, उपराजदूत अशोक वाटिका की शिलाएं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को किया समर्पित। ट्रस्ट के सदस्यों ने राजनयिकों का किया स्वागत। 1.5 घंटे अयोध्या में रुककर रामलला के दर्शन और आरती कर लखनऊ के लिए हुए रवाना। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर योगासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर नरसिंह आनंदगिरी पर गुंडा एक्ट लगाने के मामले में महामंडलेश्वर ने सीएम आवास पर आमरण अनशन का किया ऐलान। गुंडा एक्ट का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, ना तो हमने कोई जमीन कब्जा की है, ना तो किसी अपराधी को संरक्षण दिया, किस बात का गुंडा एक्ट? हम मुसलमानों से नहीं डरते, दारुल उलूम देवबंद से नहीं डरते, सऊदी अरब से नहीं डरते, तो अफसरों से क्या डरेंगे? ओपी राजभर और अखिलेश यादव ने मऊ में एक साथ की बड़ी रैली। राजभर ने अखिलेश यादव को भविष्य का सीएम बताया। राजभर ने कहा, बंगाल में खेला होवे हुआ, अब यूपी में खदेड़ा होवे। महंगाई का जिक्र होते हुए मंच से कई लोग लुभावन चुनावी घोषणाएं की, जैसे 5 साल बिजली मुफ्त, पुलिस ड्यूटी 8 घंटे करने, गृह जनपद में तैनाती सहित सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधा देने एवं उत्तर प्रदेश को पूर्ण शिक्षित बनाने का लक्ष्य जैसे वादे किए। कानपुर देहात में प्राइवेट अस्पतालों की बाढ़। जिले में कई दर्जन अस्पताल बिना मानक हो रहे हैं संचालित। फायर विभाग और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें बंद। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर जमकर की जा रही है धन उघाई। सीएम केजरीवाल को दोनों मामलों में मिली जमानत। गौरीगंज थाने से जुड़े मुकदमे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप हुआ तय। साक्ष्य के बिंदु पर 3 नवंबर को होगी सुनवाई। वहीं मुसाफिर थाने से जुड़े केस में केस वापसी उन्मोचन अर्जी पर 3 नवंबर को होगी सुनवाई। जज पी के जयंत की अदालत ने अरविंद केजरीवाल से जुड़े दोनों मुकदमों में अगली कार्रवाई के लिए तय की तारीख। मुजफ्फरनगर के वजेड़ी रोड सावट स्थित परेड मैदान में AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने वंचित शोषित समाज सम्मेलन में मुसलमानों की भावनाओं को खूब कुरेदा। उन्होंने कहा कि यूपी में 19% मुसलमानों की कोई सियासी ताकत नहीं है। सपा बसपा रालोद के लिए कब तक दरी बिछाते रहोगे? सियासत में मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित करना, मुसलमानों की सियासी ताकत बढ़ाना उनका मकसद है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।